कितनी ज़बरदस्त हमारा बारबेक्यू हो रहा है, मायो बीफ बोटी ज़बरदस्त हमारी बनके रेडी हो रही है। हम आपको सर्व करके दिखाएंगे क्या ज़बरदस्त हमारा धुआं उठ रहा है इसमें से। वाओ ज़बरदस्त, ये रही कितनी रेडिश हमारी बोटियाँ बनके रेडी हो गई हैं। अब हम इनको ज़बरदस्त सर्व करके आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको अरुषा और महा का सलाम। यू आर कुकिंग कॉर्नर में माँ भी सलाम कर रही हैं। आज हम ज़बरदस्त डिश आपको बताएंगे, बीफ की सीख बोटी बताएंगे हम, मायो बीफ सीख बोटी। ये हमने मायोनीज लिया हुआ है, ये हमने दही भी लिया हुआ है, ये हमारा पपीता है और ये हमारी बीफ की बीफ है। ये हमारा कम से कम 3 किलो बीफ होगा और आज हम शान मसाले से इसको बनाएंगे ज़बरदस्त सा। ये हमारा शान का मसाला है 3 से 4 टेबल स्पून। ये हमारा कुटा हुआ ज़ीरा है और वो हमारा गरम मसाला है। और ये है हमारा प्याज का पानी जो ये महा ने निकाला है, इससे बहुत सीक्रेट है, कह रही हैं ये बहुत ज़बरदस्त, इससे बोटियाँ गलती हैं शानदार ज़बरदस्त सी। और ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इस पूरा मसाला इस पे लगाएंगे, इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको बारबेक्यू करेंगे कोयले के चूल्हे पे ज़बरदस्त सा। आज छोटा सा फंक्शन भी है हमारे घर में, बहुत सी डिशें बनी हैं, तो हमने कहा आपको पहले ये वाली डिश बता देते हैं ज़बरदस्त सी। उन डिशों में ये डिश भी शामिल है, तो हम आपको पहले इसका बता देते हैं रेसिपी। बाकी डिशें जो हमने बनाए हैं वो आप उसका लिंक आप चैनल पर देख लीजिएगा। आज हम क्रोकेट्स बना रहे हैं कबाब आलू के, वो चैनल पर हैं, वो भी आप देख सकती हैं। बीफ बिरयानी हम बना रहे हैं, वो चैनल पर है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैं स्क्रीन में भी लिंक दे दूँगी उसका और आई बटन में भी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सा। चलिए मैं हाथ में मसाले ऐड करेंगी। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग के कमेंट बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आप में से कोई न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके पास आए। चलिए मैं हाथ ऐड करेंगी मसाले इसके अंदर। ये 4 टेबल स्पून हम दही ऐड कर रहे हैं। अब ये मायोनीज पूरा ऐड कर देंगे इसके अंदर हम, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनती हैं बोटियाँ और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। ये हमारा 4 से 5 टेबल स्पून मायोनीज है। 5 से 5 टेबल स्पून हम इसमें पपीता ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मायो बीफ की बोटियाँ बनेंगी। जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर ये जल्दी होने वाली। ये हमारी सीखें हैं, 3 टेबल स्पून डालें, एक और डाल दूँ। आप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगी वहाँ से। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपके पास है वो डालें। 3 से 3 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। ये नहीं सोचें ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। मसाले ऐड करेंगी, डाल दूँ। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप सॉल्ट ऐड करेंगी, वो भी डालें ना। महा इसके अंदर आप ऐड करेंगी नमक, डालेंगे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने भी कमी ऐड किया है क्योंकि वाले मसालों में भी है ना, इसलिए ये तोड़ लें। और प्याज का जो पानी था सीक्रेट हमारा वो ऐड करेंगी वहाँ इसके अंदर। हम चिकन की बोटियाँ भी बना रहे हैं इसी तरीके से, वो भी हमने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि वो आधे घंटे पहले लगा रखेंगे, अभी से लगाएंगे तो मसाला खराब, वो बोटियाँ टूट जाएंगी, वो भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। के लिए एक थोड़ा सॉल्ट डाल लें, 4 या 5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर प्याज का पानी ऐड कर दिया। अब 2 टेबल स्पून हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे। वाइट वेनेगर लीजिएगा, ये थोड़ा भरे तो सही टेस्ट नहीं आएगा ना, बस 3 काफ़ी है ना। हमने 3 टेबल स्पून इसमें वाइट वाला सिरका ऐड कर दिया। अब हम इसको हाथ से पूरा मैश करेंगी
और इसको हम 3 घंटे के बाद छोड़ देंगे। प्याज का पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा और मायोनीज, इससे मायोनीज से बोटियाँ सॉफ्ट होती, सॉफ्ट और प्याज से बोटियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं। हम इसको मिक्स कर रही हैं, अब हम इसको मिक्स छोड़ देंगे। इसके बाद सीखों पे लगा के हम आपको ज़बरदस्त सा बारबेक्यू करके दिखाएंगे, साथ चपाती और पूरी पराठे के साथ। आप इसको खाएं, एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कोल्ड ड्रिंक भूल गई, हाँ कोल्ड ड्रिंक भी। ये देखिए महान है, कितना ज़बरदस्त मसाला लगा दिया। आप इसको छोड़ेंगे हम 3 घंटे के लिए, फिर 3 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं दोबारा। ये हमने 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया, अब 3 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। ज़बरदस्त सी खुशबू उठ रही है इस मसाले में, और कोई मसाला इतना ख़ास भी नहीं हमने लगाया, बस नॉर्मल इजी है जो सब लगा सकते हैं। 3 घंटे के बाद मिलते हैं, 3 घंटे के बाद ब्रेक के बाद, 3 घंटे के बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं महा कह रही। ये देखिए 2 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं, अब महा इसके अंदर बोटियाँ लगा रही हैं सीख पर। थोड़ा थोड़ा गैप रखें ना तो सही रहता। कितना ज़बरदस्त कितना खुशबू उठ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। हम पूरी सीखा इस लगा लेंगे इसी तरीके से, लगा के आपको दिखाते। वाओ ज़बरदस्त, ये देखिए हमने ये पूरी सीखें सीखों पर लगा दी हैं। हमने पूरी बोटियाँ हमने पूरी मायो बीफ की बोटियाँ सीखों पर लगा दी हैं। देखिए ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। अब हम चलेंगे इसको चूल्हे पर बारबेक्यू करने, कोयले के, फिर हम आपको करके दिखाते हैं ज़बरदस्त सा। ये देखिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त हमारा बारबेक्यू हो रहा है। मायो बीफ बोटी ज़बरदस्त हमारी बनके रेडी हो रही है। हम आपको सर्व करके दिखाएंगे क्या ज़बरदस्त हमारा धुआं उठ रहा है इसमें से। वाओ ज़बरदस्त, ये देखिए कितनी रेडिश हमारी बोटियाँ बनके रेडी हो गई हैं। अब हम इनको ज़बरदस्त सा सर्व करके आपको दिखाते हैं। खुशबू इतनी टाइट आ रही है बस। वाओ ज़बरदस्त, हमारी मायो बीफ बॉडी बनके रेडी हो गई है। कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, देखिए रेडिश। साथ हमने रायता बनाया है चाट के मसाले का। अब आप जल्दी से जाइए हमारी रेसिपी से, जल्दी से बनाइए। अब हम भी जा रहे हैं गर्म गर्मा गर्म खाने के लिए, मैं और माहा। ये भी जा रहे हैं, हम चिकन की भी बनाए हैं। हम चिकन का भी बनाएंगे, वो भी करेंगे। हम हमारे घर में थोड़ा छोटा सा फंक्शन था आज, हमने आपको बताया था। आप जल्दी से आप भी जाएँ, हमारी रेसिपी को ट्राई करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर न्यू हैं। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।